हमेशा इस बात को जरूर ध्यान में रखें, वे प्रोटीन से फिजिक नहीं बनती, फिजिक बनती है प्रॉपर डाइट से, प्रॉपर कैलरीज आप कंज्यूम करते हो, प्रॉपर वर्कआउट करते हो, और जब अपने आप को एक डिसिप्लिन में रखते हो तब आपकी जो है फिजिक शो ऑन होती है, ना कि इन डिब्बों से। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ एक और वे प्रोटीन का रिव्यू, जो है लैपर्ड न्यूट्रिशन का, इंडियन ब्रांड, वनीला फ्लेवर, और ये मुझे मिला था अमेजोन से, मैंने मंगवाया था और ये मुझे 1300 का पड़ा था। और अगर मैं बात करूँ इसकी पैकेजिंग की, तो पैकेजिंग जैसे बाहर से स्टिकर लगाया हुआ इसका, तो क्वालिटी ऑफ पैकेजिंग ठीक है, नॉट दैट मच गुड। और एक वो बात होती है ना पैकेजिंग में, वो बात नहीं है इसकी, और ऊपर जो है ऊपर भी उन्होंने स्टिकर लगाया हुआ अपना, बट इसकी वो पैकेजिंग की वो बात नहीं है, सो एंड सो पैकिंग है। और इसका वनीला फ्लेवर है, वनीला फ्लेवर मैंने ट्राई किया है इसका, इट्स ओके फ्लेवर, ना ज़्यादा मीठा है ना ज़्यादा बिल्कुल जो कहते हैं कि लाइट, वैसा भी नहीं है, मीडियम सा फ्लेवर है। मैं क्या करता हूँ बेसिकली, जब भी मैंने कोई भी टेस्ट करता हूँ मैं वे प्रोटीन, तो मैं उसके अंदर 2 से 3 पैकेट स्प्लेंडर के जरूर डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद होता है। तो ये पहले मैंने ट्राई किया बिना स्प्लेंडर के, तो ठीक ठाक था इसका टेस्ट, तो स्प्लेंडर डालने के बाद ऑब्वियसली ज़्यादा मीठा हो गया। बात करते हैं इसकी स्कूप साइज़ की, तो स्कूप साइज़ इसका 33 ग्राम, मोस्टली सभी कंपनीज का 33 to 35 ग्राम के बीच में वेरीज करता है, और 24 ग्राम प्रोटीन बताया उन्होंने। और इसका इसके अंदर जो मेन जो है वो वे प्रोटीन आइसोलेट डाला है ज़्यादा, क्योंकि जो भी कंपनियां जो भी इंग्रेडिएंट्स लिखती हैं, और उस इंग्रेडिएंट्स के जो नंबर 1 पे जो इंग्रेडिएंट होता है वही सबसे ज़्यादा कंपनियां यूज़ करती हैं, तो इसके फर्स्ट में, और वैसे भी आजकल जो है वो ब्लेंड्स ही आ रहे हैं सबके, तो इसका जो है पहले उन्होंने वे प्रोटीन आइसोलेट डाला है, फिर कंसेंट्रेट डाला है, राइट, थोड़ा बहुत डाइटरी फाइबर्स एंड जो भी प्रिजर्वेटिव वगैरह, डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाले हैं 2, पेपेन एंड पेप्सिन, और फ्लेवर भी नहीं है, राइट, मेंशन भी की हुई है अमीनो एसिड प्रोफाइल इन्होंने, और 24 ग्राम प्रोटीन बता रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो मैं अपने हर रिव्यू में वे प्रोटीन के रिव्यू में बोलता हूं, कि कभी भी वे प्रोटीन जो है मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं है, मेरे प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन है एग्स, चिकन, राइट, मटन। तो ये जस्ट वो क्या कहते हैं कि जो डिशेज कई बार बनानी होती हैं, कई बार क्रेविंग होती है कुछ मीठे की, तो उसके लिए मैंने तरह तरह के फ्लेवर मैं जो है यूज़ करता हूँ, थोड़ा वो स्वीट टूथ के लिए, राइट। तो बात करते हैं इसके अंदर 24 ग्राम प्रोटीन डाला है इन्होंने जो मेंशन किया हुआ है। जहाँ तक मेरा जो भी जितना भी मेरा इंडियन कंपनीज को मैंने जितनी भी कंज्यूम कर चुका हूँ, वो ऑलमोस्ट 18 to 20 ग्राम ही निकलता है, कईयों में तो उससे भी कम निकला है, राइट। इंडियन कंपनीज जो हैं जो एक्यूरेट थी, जो मेरे हिसाब से वो थी पतंजलि का जो वे प्रोटीन जो आइसोलेट था जो मैंने यूज़ किया था, उसकी जो लैब रिपोर्ट थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी, उसके जो उन्होंने जितना मेंशन किया था उतना ही प्रोटीन था, कुछ पॉइंट्स ज़्यादा प्रोटीन ही था लैब रिपोर्ट में। तो ऑब्वियसली इसके अंदर भी 24 ग्राम प्रोटीन नहीं होगा, बट ये है कि आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि इतनी कंपनीज आ गई हैं कि आपको जो है बजट फ्रेंडली एक जो 1300 से लेकर 1500 के बीच एक 1 kg जो है प्रोटीन इजीली अवेलेबल हो जाता है। ऑब्वियसली इंडिया मेड है तो क्वालिटी डेफिनेटली जो बाहर के प्रोटीन है उससे कम ही होती है इनकी, बट ये भी उसी तरह से काम करते हैं जिस तरह से वो वे प्रोटीन काम करता है, जो बाहर के वे प्रोटीन होते हैं उनमें बस ये होता है कि उनमें जो है प्रोटीन रेशो प्रॉपर होती है, राइट। तो अमीनो एसिड प्रोफाइल लिखी है अच्छी इन्होंने, 24 ग्राम मेंशन किया है, मेरे हिसाब से 18-20 ग्राम प्रोटीन होगा इस के एक स्कूप में। तो अगर आप इसको ट्राई आउट करना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई आउट करें, मैं अपनी तरफ से आपको ज़रूर कहूँगा कि अगर बजट 1300 से 1500 के बीच में है तो इसको भी आप ट्राई आउट कर सकते हैं। हमेशा इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें, वे प्रोटीन से फिजिक नहीं बनती, फिजिक बनती है प्रॉपर डाइट से, प्रॉपर कैलरीज आप कंज्यूम करते हो, प्रॉपर वर्कआउट करते हो, और जब अपने आप को एक डिसिप्लिन में रखते हो तब आपकी जो है फिजिक शो ऑन होती है, ना कि इन डिब्बों से, राइट। तो जरूर ट्राई आउट करें लेपर्ड का वे प्रोटीन आइसोलेट प्लस कंसेंट्रेट, ऑलरेडी मेंशन किया हुआ फ्रेंड उन्होंने, तो ज़रूर इसको ट्राई करें।